इतने सालों से आप लोग संसद भवन की पुरानी इमारत में बैठे हैं और अब नई इमारत में आप लोग आके बैठे हैं इस विशेष सत्र में, किस तरह का एक अलग अनुभव रहा? और ये संसद का नया भवन किन मायनों में खास है, किन मायनों में अलग है? मुझे लगता है कि शायद ये दूरदृष्टि होगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुराना भवन कहीं हो और उस पुराने भवन से जो नया भवन बनाते हैं, या तो आप देखते हैं कि अपने भवनों को डिमोलिश करते हैं और फिर नया भवन बनाते हैं, या कहीं दूर जाके बनाते हैं। लेकिन शायद ये भी दुनिया की यूनिक चीज़ होगी कि जो पुराना भवन इतिहास का साक्षी रहा हो, बड़े से बड़े वन नेशन वन टैक्स का साक्षी रहा हो, आर्टिकल 370-35A का साक्षी रहा हो, तीन तलाक को समाप्त करने का साक्षी रहा हो, वो अब ये संविधान सदन के रूप में आँखों के सामने रहेगा। तो जो हमारी स्मृतियाँ हैं वो हमेशा ताजी रहेंगे, क्योंकि जब हम इस नए भवन में आएंगे तो ये पुरानी भवन को हम सामने जब देखते हैं तो ये हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। और नए भवन में जब हम गए कल, जो अनुभूति हमारी हुई कि पुरानी जो हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, उन परंपराओं संस्कृतियों को भी हम रख रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ जिस तरह से इक्विप्ड हुए हैं, तो शायद अपने आप में मुझे लगता है दुनिया में इतनी अच्छी पार्लियामेंट कहीं बनी नहीं होगी। और ये पार्लियामेंट अपने आप एक पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है। आज इसमें करीब 800 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, स्पेसियस भी है और टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है कि हमारे ऊपर खुद टैबलेट्स लगे हुए हैं, हम वहाँ सारी चीज़ें डिजिटली, क्या एजेंडा है, क्या डिस्कशन हो रहा है और जितनी लैंग्वेज में चाहें देख सकते हैं। तो एक निश्चित तौर से एक आनंद की अनुभूति हो रही है।